किचन के कचरे से, सब्जियों, फलों और पत्तों से बेहतरीन जैविक खाद बाटल में कैसे बनाएं, जाने पूरी विधि। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का अपने चैनल विमीज गार्डन में स्वागत करती हूं। दोस्तों, पानी की बाटल या अन्य किसी भी चीज़ों का बाटल हो, उसमें किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाना बताऊंगी। ये है हमारा मिनी कंपोस्ट कंटेनर। इसमें खाद बनाना यह साबित करने का एक शानदार तरीका है कि घर पर खाद बनाना कितना आसान है। दोस्तों, बाटल हम 1 लीटर या 2 लीटर कोई सा ले सकते हैं। अगर आपका कंटेनर छोटा है तो आप 1 लीटर का बाटल ले सकते हैं। मेरा कंटेनर बड़ा है, इसलिए मैं 2 लीटर का बाटल ली हूँ। दोस्तों, बहुत लोगों के पास जगह की समस्या होती है, जिसके वजह से कंपोस्ट बनाना मुश्किल हो जाता है। कंपोस्ट के लिए बड़ी बड़ी बकेट की आवश्यकता होती है और उसे रखने के लिए प्रॉपर स्थान की। ऐसे में बाटल कंपोस्ट एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। सबसे पहले बाटल में चारों तरफ छेद करेंगे। छेद करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम इसमें किचन वेस्ट डालते हैं और किचन वेस्ट डिकम्पोस्ट होता है तो उसमें बहुत पानी निकलता है, इसलिए उस पानी को बाहर निकालने के लिए होल करना ज़रूरी होता है। नहीं तो कंपोस्ट से बदबू आने लगेगी और कंपोस्टिंग स्लो हो जाएगी। बाटल के नीचे हिस्से को इस तरह से कट करना है ताकि कंपोस्ट को ढक सके। बाटल को इस तरह आधा मिट्टी में दबा देना है और उसके बेस में थोड़ा सूखे पत्ते डालना है और गोबर की खाद सड़ी हुई थोड़ी सी, फिर अपने किचन से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल, छिलके उलके, सब्जी के छिलके सभी डाल देना है। मेरे छिलके बड़े बड़े हैं, आप चाहे तो उसके छोटे छोटे कट कर सकते हैं। अब फिर सूखे पत्ते का एक लेयर, और इस तरह से अपने कंपोस्ट को फिर से एक लेयर बना देंगे। अच्छी तरह से दबा दबा के भर के और इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डालकर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके इसे ढक देंगे। दोस्तों देखिए, 1 सप्ताह पहले कद्दू की 4 बीज डाली थी चारों कोने में और दूसरे बॉक्स में रखिया की 4 बीज डाली थी। देखिए अब किचन वेस्ट भी काफ़ी कम हो गई है। 2 सप्ताह बाद मेरे पौधे की ग्रोथ देखिए कितनी हरी है और कितनी हेल्दी है। अब मेरे कंपोस्ट बहुत नीचे दब गया है, अब इसमें फिर से किचन वेस्ट की लेयर लगा सकते हैं इस तरह से। इसी तरह दोस्तों, जिन लोगों के पास जगह की कमी है, वे अपने सभी गमलों में एक एक बॉटल रखकर कंपोस्ट बना सकते हैं और जब किचन वेस्ट धीरे धीरे कंपोस्ट होगा तब पौधों को उचित विकास और वृद्धि होगी। मिट्टी से पौधों को खनिज पदार्थ मिलता रहेगा। यह खाद घर में उगाने वाले पौधों के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ नहीं होता है। यह हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और भूमि के उर्वरता में वृद्धि होती है, फसलों के उपज में वृद्धि होती है। इसलिए हमारे किचन गार्डन के लिए तो बहुत ही बेहतरीन खाद है। दोस्तों आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी यह पोस्ट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।